जसपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका पालन कड़ाई से करवाने के साथ साथ नागरिकों में जागरूकता के लिए जसपुर SDM आकांक्षा त्रिपाठी एवं SDOP राजेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च किया गया। जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके बावजूद कुछ लोग बेवजह ही सड़कों पर जान की परवाह न करते हुए चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं, जिस पर काबू पाने एवं शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च सिटी कोतवाली से शुरू होकर है, गौरव पथ के रास्ते कलेक्ट्रेट, गमहरिया, भागलपुर, बरटोली, मधुवन टोली होते हुए महाराज चौक, सन्ना रोड, जैन मंदिर कॉलेज रोड, बस स्टैंड होते हुए फ्लैग मार्च वापस सिटी कोतवाली में समाप्त हुआ। वहीं SDM आकांक्षा त्रिपाठी और SDOP राजेंद्र सिंह परिहार ने छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा लोदाम में बनाए गए चेक पोस्ट का अवलोकन किया। SDM आकांक्षा त्रिपाठी ने नागरिकों से घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। SDOP राजेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौक चौराहों पर सख्ती बरती जा रही है। शहर में लोगों को अनावश्यक घर से बाहर सड़कों पर निकलने से मना किया गया है। जसपुर से संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। जसपुर जिला प्रशासन सभी आम जनता से ये अपील करता है कि इस 7 दिन के लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और इस कोरोना महामारी में जिला प्रशासन हमेशा आपके साथ है। हाँ, जसपुर जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन किया गया है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, पूरे शहर में भ्रमण किया गया है। लोगों को अपेक्षा की जाती है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बाहर तैनात हैं।